दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत के प्रमुख बंदरगाह। पहला है कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह भारत में गुजरात प्रांत में कच्छ जिले में स्थित देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। यह बंदरगाह भारत का सबसे पहला मुक्त व्यापार क्षेत्र है। कांडला बंदरगाह भारत के सबसे बड़े 13 मुख्य बंदरगाहों में से कार्गो हैंडलिंग में सबसे बड़ा है। यह कांडला नदी पर बना हुआ है। यह ज्वार बंदरगाह है। इस बंदरगाह में प्रमुख रूप से वस्तुओं का आयात किया जाता है। दूसरा है कोच्चि बंदरगाह। कोच्चि, जिसे कोचीन भी कहा जाता है, भारत के केरल राज्य के अरनाकुलम जिले में लक्षद्वीप सागर से तट स्थित एक बड़ा बंदरगाह नगर है। कोच्चि को काफ़ी समय से प्राय एर्नाकुलम भी कहा जाता है, जिसका अर्थ नगर का मुख्य भूमि भाग इंगित करता है। तीसरा है कोलकाता बंदरगाह। कोलकाता बंदरगाह देश के प्रमुख बंदरगाहों में से एक है। यह बंदरगाह हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस बंदरगाह का नाम बदलने संबंधी घोषणा युवा दिवस 12 जनवरी 2021 के अवसर पर कोलकाता में की गई। भारत सरकार द्वारा कोलकाता बंदरगाह का नाम बदलकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखने की घोषणा की गई है। चौथा है चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई पोर्ट मुंबई पोर्ट के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। यह 125 साल से अधिक पुराना है। मुख्य कंटेनर पतन बनने से पूर्व यह प्रमुख यात्रा बंदरगाह भी था। दक्षिण भारत का सारा दक्षिण पूर्व भाग तमिलनाडु, दक्षिणी आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक इसकी पृष्ठभूमि है। यह कृत्रिम सबसे प्राचीन बंदरगाह है। पांचवा है तुतीकोरिन बंदरगाह। तुतीकोरिन बंदरगाह दक्षिण और तमिलनाडु के राज्य के आर्थिक विकास का उत्प्रेरक है। यहाँ पर समुद्र तट कम गहरा है, इसलिए जलयान 5 किलोमीटर दूर ही रोक दिए जाते हैं। 19 फरवरी 2011 को इस बंदरगाह का नाम बदलकर वियो चिदंबनार बंदरगाह रख दिया गया है। यह बंदरगाह मन्नार की खाड़ी में स्थित है। एन्नूर बंदरगाह। एन्नूर बंदरगाह भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसका निर्माण चेन्नई बंदरगाह का भार कम करने के लिए किया गया है। यह देश का पहला कंप्यूटराइज बंदरगाह है। इसकी प्राथमिक अवधारणा इससे चेन्नई बंदरगाह को उपकरी बंदरगाह के रूप में विकसित करने की थी, जिसका प्राथमिक कार्य तमिलनाडु बिजली बोर्ड के ताप में विद्युत संयंत्र को कोयले की सप्लाई करना होता है। सातवां है न्यू मैंगलोर बंदरगाह। न्यू बैंगलोर बंदरगाह पश्चिमी तट पर कर्नाटक का मुख्य बंदरगाह है, जो कोच्चि और मारमूर गांव के मध्य 320 किलोमीटर दूर स्थित है। इसका छोटा पोताश्रय है या प्राकृतिक बंदरगाह है। नवा सुवेस्वा बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहा जाता है, एक कृत्रिम बंदरगाह है जो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इसका निर्माण मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए किया गया है। मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, एक प्राकृतिक बंदरगाह है। यहाँ पर सर्वाधिक व्यापार किया जाता है। दसवां है मार्मो गोवा बंदरगाह। मार्मो गोवा बंदरगाह भारत के प्रमुख बंदरगाहों में से एक है। इसका पोताश्रय प्राकृतिक है एवं सुरक्षित है। यह बंदरगाह गोवा राज्य में स्थित है। ईरान को लौह अयस्क का निर्यात इसी बंदरगाह से किया जाता है। इसकी स्थिति ज्वारी नदी पर है। 11 है विशाखापट्टनम बंदरगाह। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के उत्तरी सरकार तट पर गोदावरी नदी के मुहाने के उत्तर में अवस्थित एक भारत का चौथा सबसे बड़ा पोताश्रय है। यह विशाखापट्टनम जिले का मुख्य तथा भारतीय नौसेना का पूर्वी कमान का केंद्र है। यह सबसे गहरा एवं प्राकृतिक बंदरगाह है। 12वां है पारादीप बंदरगाह। पारादीप भारत के उड़ीसा राज्य के जगत सिंहपुर जिले में स्थित और बंगाल की खाड़ी से तट स्थित एवं महत्वपूर्ण बंदरगाह नगर है। भारत के झारखंड और उड़ीसा राज्य का लौह अयस्क जापान को इसी बंदरगाह से किया जाता है। 13 पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। यह भारत का प्रमुख बंदरगाह है।